सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप मस्त हो गए, मजे में हो गए, होने भी चाहिए गाइस। तो गाइस, आज है मेरा दूसरा दिन और जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि मैं जाऊंगा घूमने, पूरे बिहार का टूर कराऊंगा, लेकिन हम लोग का कुछ प्लान में चेंजेस हो गया। आज हम लोग नहीं जाएंगे, कल से हम लोग जाएंगे घूमने, क्योंकि आज मतलब ये लोग का कुछ और प्लान चल गया, तो इसके वजह से हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन 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 भाई, मैं कल निकलेंगे हम लोग यहाँ से राजगीर। ठीक है, आप सोच सकते हो राजगीर जा रहे हैं, यहाँ से बाय रोड जाना है, गाड़ी वड्डी है अपनी, ये रही। और ये चेकआउट करो गाइस, गांव की जो मस्त वादियाँ हैं ना, ये अलग ही मज़ेदार रहती है। और ये मेरा घर, घर से प्यारा सा लुक, अपनी दोनों गाड़ियाँ यहीं पे, और कुछ नहीं, मस्त हरी भरी मौसम, मौसम भी बारिश जैसा हो रखा है, पता नहीं कब बारिश आ जाए। चलते हैं, सब लोगों को मिलाते हैं आपसे। आई होप आप लोग एक्साइटेडमेंट जरूर होंगे, और आप लोग बताना कि इससे पहले वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा। गाइस ये चेकआउट करो, हमारे घर की सबसे आलसी जो है यही है। क्या सुटी, सो रही हो? देख रहे हो, सो रही है गाइस, नींद में हो सुटी, पूरी रात ड्यूटी किए हो, करियर जा सोने दो। डिस्कशन चल रही है, और ये चेकआउट करो, इतने प्यारे प्यारे मछलियाँ, इनका भी गुड मॉर्निंग हो चुका है। गुड मॉर्निंग मछलियों, देख रहे हो प्यारे प्यारे हैं। देखो गाइस इन लोग को, सुपर हीरो चल रहा है, कैमरा मैन को ढूंढ रहे, देख रहे हो। और ये लोग का गेम देखो भाई, ये लोग सुबह से गेम ही खेल रही है। ये चेकआउट, ये देखो ऑन कैमरा लड़ाई कर रहा है भाई, ऑन कैमरा लड़ाई कर रहा है। और बेचारी परी अनन्या नहीं आ पाई, इसलिए मुंह लटका के एक जगह बैठी हुई है, इसका कोई रोल ही नहीं है, नहीं तो ये भी अब अनन्या के साथ खेलती है। तो ये देखो, ये लोग प्रिंस और अनर, इसका अनर बोल रहा, चीकू का अलग ही चल रहा है। इनको चेकआउट करो, बस सुबह से लेटी हुई है, देख रहे ऑन कैमरा मार रही है भाई। बज गए हैं 9, बज गए भाई, देख रहे हो 9 बज गए हैं, अभी तक सो रही हैं, इसलिए आई हो हैं? सब डलेगा, पैर दिखा रही, देख लो आप लोगों को पैर दिखा रही हैं, ये यही बुद्धि इनके पास है, घुटनों में है दिमाग। गाइस बहुत दिनों के बाद अपनी कार की चाबी चुरा ली मैंने, चलते हैं गाड़ी लेने। और गाइस आपको एक और चीज दिखा दूं, हमारे घर में एक और गाय आई हुई है, मतलब बच्चा है। ये चेकआउट करो, गाय का बच्चा, उसका बच्चा है, गयू। ये देखो गाइस अपना घर कितना प्यारा लग रहा है। गए थे गाड़ी अपना वॉशिंग कराने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी भी बहुत गंदी हो चुकी है, और हम और रितेश निकले थे जस्ट, और गाड़ी लेके निकले, और इधर देखो गाइस एक ट्रैक्टर निकालने आई, और उसको बचाने के लिए 2 जेसीबी आई, और वो भी फंस गई भाई। कितना गंदा सीन हो रखा है, ये देखो, एक जेसीबी यहाँ पे फंसी है और एक जेसीबी यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ट्रैक्टर को बस बचाने आया था लोग, ये देखो 2 ट्रैक्टर को निकालने के लिए 2 जेसीबी आई, और दोनों फंस गई, एक अभी बची हुई है लेकिन दूसरी वाली भी फंस चुकी है। कोई नहीं, अपन चलते हैं मस्त, अभी गाड़ी वॉश कराते हैं, इसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है? तो फटाफट चलते हैं, आपको एक छोटा सा क्लिप देते हैं रास्ते का। गाइस कितना खतरनाक सीन हो रखा है, इधर देखो और इधर दिखाओ, एक और जेसीबी आ चुकी है, जेसीबी नहीं है, जो भी है जेसीबी इसको बोलते हैं भाई। एक ट्रैक्टर को निकालने के लिए दूसरी ट्रैक्टर आई, और दूसरी ट्रैक्टर को निकालने के लिए एक और क्रेन आई, और इधर 2 जेसीबी ऑलरेडी फंस चुकी है। भाई ये टेम्पो वाला भी अलग कर रहा है भाई, देखने के चक्कर में ना गाड़ी नहीं निकाल रहा भाई, तुम कैमरा मैन हो फोकस करो यार मेरे फेस पे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। गाइस फाइनली दे चुके हैं गाड़ी, हम मस्त 2 मिनट में साफ हो जाएगा, इस पे चढ़ाएंगे भैया, और हाँ सब कराना है अंदर से, अंदर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहीं पे अब गाड़ी साफ होगी, इनको दे दिए हैं, ये करेंगे बाकी, अब इसका अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे, और देखते हैं मस्त गाड़ी अपनी चमकाते हैं गाइस। कल का दिन जो होने वाला है ना अपने आप में बहुत मस्त होगा, क्योंकि हम लोग कल बहुत ही लंबा सफर में जा रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं।
जो कल का ब्लॉग होगा अपने आप में मस्त होगा। और गाइस इतना गर्मी है ना यहाँ पे, मतलब भोपाल से बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ, क्या बताऊँ आपको, टेम्परेचर बहुत लो है। वहाँ से ऐसा लगा था कि ठंडा मौसम, लेकिन मौसम बारिश वाला हुआ है, लेकिन फिर भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा है पूरे बॉडी से जैसे होता है ना कि इचिंग टाइप का, उस टाइप का होते रह रहा है यहाँ पे, और ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत खतरनाक है। इतनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ साफ करने के लिए आई है, और रितेश बोल रहा है कि कितनी भी गाड़ी आई हो लेकिन इसके आगे टाटा स्ट्रॉन्ग के आगे कुछ नहीं थी, लेकिन अब इसका क्रेज चला गया है, अब इसके जगह पे फॉर्च्यूनर ने अपनी जगह बना लिया है। और अभी हम लोग का ये अंदर से हो रहा है रेंडिंग वेंडिंग, फिर इधर आएगी सुखाई जाएगी जो भी होगी, फिर तो पेंटिंग वाला काम चल रहा है। भैया ने बाहर से तो साफ कर ही दिया है, मतलब अब शैम्पू वगैरह करके एक बार और साफ करेंगे, देखते हैं बाकी कितना प्यारा रहता है। अंदर से भी पूरा साफ, ये डस्टिंग वगैरह जो है ना, पूरा डस्ट लगी हुई है, देखते हैं सब साफ करेंगे भैया। अभी अंदर भी इधर भी गंदी ही है, मतलब पापा साफ नहीं कराए थे तो हम लेके आ गए हैं साफ के लिए। पूरा ये देख रहे हैं कितना गंदा है, सब साफ हो जाएगा एकदम मस्त। गाइस ये क्या हो गया, ये तो फुसफुसी आ गई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये तो फुसफुसी आ गई भाई, ये चेक आउट करो गाइस। जब इसके बाद जो ये क्लीन होगा ना, उसके बाद अपनी रानी रानी लगेगी, ये चेक आउट करो मस्त एकदम, दो मिनट में चमक के एकदम मस्त प्यारी हो जाएगी। भैया ने बताया अभी कि मगर आपको अगर ऐसा वाला क्लीनिंग चाहिए, पॉलिशिंग चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, मतलब 300 और बढ़ जाता है। लेकिन भाई देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है ना, बवाल लग रहा है ये गाड़ी, अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम, अभी टाइम का दिक्कत है, मैं तो ऐसे ही आ गया यार, थोड़ा बाहर से साफ हो जाए, गर्दा उर्दा साफ हो जाए, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है गाड़ी। गाइस फाइनल लुक एकदम चमक गई अपनी रानी, मस्त लग रही है। अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है, बाहर से भी चमक गई, अंदर से भी, मतलब ये डेंटिंग कराने का अलग लगता था तो बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन बाकी ये सब तो चमका दिया, ये सभी पोछ दिए हैं, मतलब जो डस्ट था वगैरह सब साफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का क्लीनिंग भी हो चुका है, फिर पीछे का आपको दिखाते हैं, पीछे से भी एकदम मस्त चमक गई है भाई, लेकिन मस्त चमक रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब भी मस्त चमक गया, जो गंदा था टोटल ये सब क्लीन हो चुका है। चलते हैं यहाँ से, भैया को कहते हैं चलो गाइस, चाय भी मिल गई, मस्त निकलते हैं यहाँ से अब लेके गाड़ी को अपनी बसंती को, ठीक है, मज़ा आ गया गाइस, गाड़ी नई जैसी लगने लगी। आइए गाड़ी लगाते हैं, चलो गाइस। सो गाइस फाइनली गाड़ी तो मतलब मस्त सर्विसिंग करा दी, या सर्विसिंग नहीं मतलब डेंटिंग वेंटिंग जो भी थोड़ा बहुत डाउट ये सब था, साफ तो हो गया, बट क्लीनिंग हो गया, अब थोड़ा फ्रेश भी फील लग रहा है। जैसे बैठे थे स्टार्टिंग में ना, मतलब ऐसा लग रहा था एकदम घुट रहा था, और हम लोगों को 3-4 दिन इसी गाड़ी में बिताना है। एक ये हो गई, अब एक स्कॉर्पियो हो गई, तो स्कॉर्पियो तो जहां तक मुझे लगता है साफ होगी, ये थोड़ी गंदी थी तो इसको मैंने क्लीन करा दी। अब चलते हैं घर की तरफ, हमारा ये बिहार का आप रोड देख लो, जो लोग बोलते हैं ना कि बिहार में रोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप देख सकते हो मस्त 4-लाइन रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जो लोग भी बोलते हैं कि बिहार में ये नहीं है, वो है, नहीं है भाई, बिहार में सब कुछ है। आप एक बार आओ देखो बक्सर, ये हमारा बक्सर सिटी का रोड है, यहाँ से पटना अगर आप जाते हैं सीधे तो चले जाएंगे। चलते हैं, मजा तो आएगा गाइस आज की जर्नी में, कल से और जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब चलते हैं घर पे, देखते हैं घर पे क्या हो रही है। तो गाइस यहाँ आगे भी आप देख सकते हो कि एक छोटा सा स्कूल है, और यहाँ पे भी चल रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी चल रहा है 15 अगस्त का छोटा सा कार्यक्रम, हर जगह आपको दिखता है, स्कूल वगैरह पे पुलिस वुलिस सब है। चलते हैं गाइस घर की तरफ, देखते हैं वहां पे, फिर आपको बताते हैं। लड़कियां हमेशा अच्छी ही गाना गाती हैं रितेश सर, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे भी एक छोटा सा स्कूल है, मतलब हर 10 कदम पे एक स्कूल आपको मिल जाएगा बिहार में। सो गाइस हम लोग जब जा रहे थे उस टाइम पे ही आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया होगा कि मतलब ट्रैक्टर कितनी खतरनाक तरीके से फंसी हुई है, और अभी तक हमको लगता है कि अभी फंसी ही हुई है, देख सकते हैं कितनी जाम लगी हुई है। इस भयंकर, अभी मैंने बात किया जिसका ट्रैक्टर था उसके, भयंकर वाला फंसा है भाई, देख सकते हो कितना भयंकर, जूमिंग करके दिखा जा रहा है, ये देखो भाई इतना भयंकर तरीके से फंसा हुआ है, जैसी भी फंस गई है, सोचो आप।
गाइस सुबह से हो गई है शाम, ठीक है। शाम को आए हैं, मैं स्वीटी बाहर आए हैं, मस्त स्वीटी भी आके बैठ गई है। अब गाइस यहां से निकलते हैं बक्सर की तरफ फिर से एक बार। अभी जस्ट 12 बजे आया, गाड़ी साफ कराएंगे, उसके बाद मन नहीं हुआ क्योंकि गाइस यहां पे देखो कितनी तेज धूप निकली हुई है, इतनी तगड़ी धूप, तो इसके वजह से निकलने का मन नहीं किया। मैं आके रूम में मस्त चिल हो गया था। अब निकलते हैं यहाँ से बक्सर की तरफ फिर से, थोड़ी बहुत काम है, शॉपिंग करनी है, वो करते हैं, इसके बाद देखते हैं। गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग बक्सर गोलंबर पे। अब यहाँ से जाते हैं, सबसे पहले कार के लिए सेंट लेते हैं, तो जस्ट आगे में थोड़ा दुकान है। गाइस अपना बक्सर सिटी पैदल पैदल यात्रा, कार तो हम लोग लेके नहीं आए इधर क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है भाई, और ये ऐसा है जगह क्या ही बताऊँ, बहुत भयंकर भीड़ रहता है। जूता बाज़ार बक्सर गए, ठीक है, यहाँ से हम लोग अभी जूता वूता ले लिए हैं मस्त, और ये चेकआउट करो गाइस, क्या मस्त मतलब घर बना हुआ है, एकदम पतला, ये देखो एकदम पतला है गाइस, तीन तल्ला, और ये भी है कि आगे से जस्ट जाके कर्व हुआ है सी टाइप में। ये गाइस बक्सर जमीन, बक्सर में ज़मीन बहुत ही महंगा है, देख इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अभी हम लोग राखी वाले शॉप पे राखी ले रहे हैं, फाइनली पहुंच गए पूरे 8 साल के बाद फिर से गोलगप्पा खाने के लिए। यहीं पे खाते हैं हम लोग गोलगप्पा, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पा रहता है गाइस, और ये हमारा पीपी रोड। चलो गोलगप्पा खाने के बाद मिलते हैं गाइस, बहुत गाइस फाइनली गोलगप्पा खाने के बाद, आप क्या पता नहीं क्या बोला जाता है हमारे यहाँ गोलगप्पा, गुपचुप यहीं से बोला जाता है। इसके बाद गंगा नदी के किनारे जस्ट गाइस, ये देखो यहाँ से हम लोग चलते जा रहे हैं, कौन सा घाट है 80 घाट, कौन सा घाट ये नहीं पता। गाइस हम लोग आ गए गंगा डिस्चार्ज घाट, भाई साहब ये तो पूरा डूब चुका है भाई, ये चेकआउट करो पूरा डूबा हुआ है। यहाँ पे नीचे फोटो वोटो के लिए मस्त क्लिक करने के लिए बना था, हम लोग सोचे पानी कम होगा खींचेंगे फोटो, लेकिन यहाँ पे आने के बाद देखो गाइस पूरा भरा हुआ है पानी लबालब। सो गाइस फाइनली सब कुछ लेके बस अब एक चीज़ बचा हुआ है, गाड़ी अपनी ये रही, निकलते हैं यहाँ से लेके, सब चीज़ तो हो गया, बस थोड़ी सी एक दवा लेना है गाइस, बस दवा लेके। हाँ तो गाइस बस इतना ही था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको आज का दिन देख के मेरा मजा आया हो। आज लेकिन बहुत ही बिजी शेड्यूल था, लेकिन 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 कल का जो ब्लॉग आएगा वो मज़ेदार आएगा, क्योंकि हम लोग कल जा रहे हैं बोध गया, उसके बाद जाएंगे राजगीर, तो वहाँ जो भी होगा आपको सब दिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।